नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज तिरवा थाना के अंतर्गत मुरैया रोड भोगैतापुर गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार प्रदीप कुमार पुत्र शिशपाल व दिनेश पुत्र राम सिन्ही निवासी रिदौली थाना कन्नौज ने खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मार दिया। टक्कर जोरदार होने के कारण दोनों बाइक सवार घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पत्नी सोनू ने बताया कि दोनों लोग अपनी जीजा संजय निवासी भक्तापुर से होली मिलन कर घर वापस आ रहे थे। बाइक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण खड़े ट्रैक्टर से जा भिड़े। सड़क दुर्घटना होने के कारण ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दिनेश व प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। क्या घटना हुई भैया? घटना ये सर ये हुई कि यहाँ पे हम मौके पे बैठे थे, यहाँ पे नीचे एक ट्रैक्टर वाला आया यहाँ पे और पूछने लगा कि ईंटें खरीदोगे, कि 50 ईंटें हैं, वो टन भट्टे की ईंटें थी, मतलब टन लिखा था ईंट पे। तो हमने कि यहाँ पे उन लोगों ने पूछा जो ईंट लेने वाले थे कि यहाँ पे ईंट नहीं लेंगे हम और ना ईंटें खरीदेंगे। तो उसने यहाँ पे गाड़ी खरीद रखी, मतलब ना इंडिकेटर जला रखा ना कुछ, आगे से बाइक आ रही थी, पीछे से ये मोटरसाइकिल आई और उसी में भिड़ गई। और दोनों हमने जब टॉर्च लगा के देखा, हमने क्या एकदम खट हुआ देखा तो वो मौके पे दोनों पड़े थे, लेकिन उनको छुआ नहीं, लेकिन वो अंजाल लगा था कि ये दोनों ख़त्म हो गए, तो पूरे फर्श पे खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। जब आप लोग मेडिकल कॉलेज लेके आए फिर क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज लेके आए, डॉक्टर लोग